अस्सलामु अलैकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू बेलास क्रिएटिव एंड कुकिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे इमोजी स्नैक्स। नहायत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है, इसलिए आप इसको देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल बेलास क्रिएटिव एंड कुकिंग पॉइंट को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। स्टेप वन, इमोजी स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप उबले और मैश किए हुए आलू, 3/4 कप ब्रेड क्रम्स हमें इसमें चाहिए यानी 1/4 कप, 2 बड़े खाने के चम्मच हमें इसमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा, 1 छोटा चम्मच हमें इसमें लाल पीसी हुई मिर्च चाहिए, 1 छोटा चम्मच हमें नमक और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च चाहिए होगी। स्टेप टू, इमोजी स्नैक्स बनाने के लिए 2 कप उबले और मैश किए हुए आलू को मैं एक बड़े बाउल में डाल दूंगी, साथ ही 1/4 कप ब्रेड क्रम्स भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर मैं इसमें ऐड करूंगी। इमोजी स्नैक्स जो हैं बहुत डिलीशियस और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों के लिए, इसलिए आप इसे अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। इसमें जो आलू है वो बच्चों को मुहैया करेगा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी, साथ ही 1 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूंगी। अब मिर्चों की तादाद अपने बच्चों की पसंद के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, जैसे कई बच्चों को काली मिर्च वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो आप उनके लिए सिर्फ इसमें काली मिर्च डाल के भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करूँगी ताकि एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखें हाथ से मिक्स करने पर कितना स्मूथ मिक्सचर रेडी हुआ है। स्टेप 3, हाथों को और ऑयलिक सरफेस को हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और इस मिक्सचर में से एक पेड़ा बना लेंगे। इस पेड़े को हम रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन इसमें हम बेलने का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हाथ की मदद से ही 1 सेंटीमीटर मोटी रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे। ये देखिए तकरीबन रेडी हो गया। अब इसमें से हम गोल कटर की मदद से कटिंग करते हुए इमोजीज निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगी, लेकिन इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं मज़ीद इमोजी स्नैक्स बनाने में इस्तेमाल कर लूँगी। फ़िलहाल मैं एक स्ट्रा की मदद से इनकी आइज़ बना लूँगी। ये देखें स्ट्रा की मदद से इमोजी स्नैक्स की आइज़ कितनी इजी से बन जाती हैं। फिर 1 छोटी चम्मच की मदद से हम इसका स्माइली फेस बना लेंगे। अगर आपको स्माइली इमोजी बनाना है तो आप इस तरह से चम्मच को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना आपसे नाराज़ हो गया हो तो आप उसको स्माइली इमोजी स्नैक्स बनाकर स्माइल करवा सकते हैं। आप उसके लिए एंग्री इमोजी बना सकते हैं, आप उसके लिए लाफिंग इमोजी भी बना सकते हैं। बच्चों को ये बहुत अट्रैक्टिव लग। डिफरेंट शेप्स में इमोजी स्नैक्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम को पहले फुल हाई करके हम उसको हीटअप कर लेंगे, फिर हम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आप थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए आप फ्लेम को लो कर दें। जब आपका ऑयल फुल गर्म हो जाए तब आप फ्लेम को लो कर दें और फिर आप ये फ्राई करें तो ये बहुत क्रिस्पी से रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। शेयर करें स्माइल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बेलास क्रिएटिव एंड कुकिंग पॉइंट को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के।